हेलो गाइस, आई एम हितेश त्रिपाठी एंड दिस इज एडिटोरियल वीडियो फॉर प्रॉब्लम ए गेमर हेमोस कोड फोर्सेस राउंड 746 डिवीजन 2। ओके, सो इन दिस फर्स्टली आई विल रीड द प्रॉब्लम एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड आफ्टर दैट वी विल सी द अप्रोच एंड सूडो कोड और कोड फॉर दिस क्वेश्चन। सो वन डे अहमद हुसाम वेंट टू हेमोस एंड सेड लेट्स सॉल्व अ जिम कॉन्टेस्ट। हेमोस डिडंट वांट टू डू दिस इज द एडहॉक स्टेटमेंट। ओके, There is an agent in Valorant and he has n weapons. Okay, the ith weapon has the damage value A of I. Okay, the agent will face an enemy whose health value is H. Fine. So we have total one agent in Valorant. Okay, and there are n weapons placed in a row. Okay, and ith weapon has a damage value of A of I. Fine. और जो agent है वो जिस enemy को face करने वाला है उसकी हेल्थ वैल्यू है एच। द एजेंट विल परफॉर्म वन और मोर मूव्स अंटिल द एनमी डाइज। ओके, तो हमारे पास टोटल एन वेपन्स हैं। ओके, और फॉर ऑल दोज वेपन्स वी हैव देयर डैमेज वैल्यूज एज ए ऑफ आई एंड द एनमी हुज हेल्थ टू हुम एजेंट इज गोइंग टू फेस इज हैज हेल्थ वैल्यू ऑफ एच। फाइन, the agent will perform one or more moves until the enemy dies. Okay, so basically what is the process, agent ko kya karna hai, wo weapons ka use karke us enemy ko marna hai. Okay, in one move he will choose a weapon and decrease the enemy's health by its damage value. So in one single move he will choose any weapon and decrease the damage value, decrease the enemy health by its damage value. ओके, वेपन की जो भी डैमेज वैल्यू होगी, और यू कैन से दिस थिंग द एनमी विल डाई व्हेन हिज हेल्थ विल बिकम लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। हाउएवर नॉट एवरी थिंग इज सो इजी, द एजेंट कांट चूज द सेम वेपन फॉर टू टाइम्स इन अ रो। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज द इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन। हेयर इट इज रिटन दैट एजेंट कांट चूज द सेम वेपन फॉर टू टाइम्स इन अ रो। ओके, सपोज ये तुम्हारी टोटल एन वेपन्स थे। ओके, फर्स्ट टाइम में एजेंट ने ए नॉट चूज कर लिया, तो सेकंड ऑपरेशन में एजेंट अगेन ए नॉट चूज नहीं कर सकता। ओके, ही हैज टू चूज अदर देन वैल्यूज अदर देन ए नॉट, बट इन थर्ड ऑपरेशन ही कैन अगेन चूज ए नॉट। ओके, तो मेन जो चीज़ है वो जो वेपन्स तुम यूज कर रहे हो वो एडजेसेंटली सेम नहीं होने चाहिए। ओके, बट ऑल्टरनेट वे में तुम उन्हें यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ फर्स्ट ए नॉट यूज़ कर लो, उसके बाद कोई और यूज़ कर लो, उसके बाद अगेन ए नॉट यूज़ कर लो। ओके, वट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स दैट द एजेंट विल नीड टू यूज़ द वेपन्स टू किल द एनमी। ओके, वी हैव टू टेल द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो भी वेपन यूज़ करना है उसका वैल्यू बताना है, तो ऑब्वियसली जो भी एजेंट की हेल्थ है, जो भी एनमी की हेल्थ है, दैट इज़ एच। ओके, हम ये चाहेंगे दैट इन सिंगल मूव वी डिक्रीज इट्स हेल्थ बाय मैक्सिमम वैल्यू, इट इज ऑब्वियस। ओके, सो फॉर दैट व्हाट वी विल सिंपली डू इज वी विल फाइंड द वेपन आउट हु हैज मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सपोज आई एम एक्सप्लेनिंग यू विद एग्जांपल, देयर इज अ टेस्ट केस, लास्ट टेस्ट केस वी हैव दिस वन 311217। ओके, तो वी हैव टोटल थ्री वेपन्स एंड 11 इज द हेल्थ वैल्यू एंड 2178 इज देयर डैमेज वैल्यू। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल चूज मैक्सिमम वैल्यू इन द फर्स्ट ऑपरेशन टू डिक्रीज एनमीज हेल्थ। ओके, सो एक सिंगल ऑपरेशन में हमने क्या किया, 7 चूज किया जिसकी मैक्सिमम वैल्यू थी और एनमी की हेल्थ डिक्रीज कर दी। तो आफ्टर वन ऑपरेशन 11 माइनस 7 दैट विल बी इक्वल्स टू, now enemy's health is equals to 4, but in second operation we can't choose 7 again. Okay, so what we will simply do is we will choose second maximum value from there. Obviously this is a, like greedy approach ki hum jab tak maximum le sakte the we took maximum value, but in second operation when we can't take maximum value we will go for second maximum value in the among the weapons. Okay, that's why we chose 2. So in second operation
वी विल सिंपली चूज टू, तो 4 माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू 2, दिस इज द न्यू हेल्थ ऑफ द एनमी. एंड अगेन इन थर्ड ऑपरेशन वी विल चूज 7, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज वी कांट चूज वेपन्स इन सेम वेपन्स वन आफ्टर अनदर, बट वी कैन चूज देम इन ऑल्टरनेट वे. ओके, सो दैट्स वाई इन थर्ड ऑपरेशन वी विल अगेन चूज 7. 2 माइनस 7 दैट विल बी इक्वल्स टू लेस देन 0. ओके, और यहां तक आते आते योर एनमीज हेल्थ विल बी लेस देन और इक्वल्स टू 0. दैट्स वाई टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन विल बी 3. हेयर इट इज फाइन. अब कुछ केसेस बनाते हैं. बेसिकली हो क्या रहा है दैट मुझे मैक्स वैल्यू ऑफ वेपन चाहिए एंड सेकेंड मैक्स वैल्यू ऑफ वेपन चाहिए. ठीक है, तो आई वॉन्ट मैक्स वैल्यू ऑफ वेपन एंड सेकेंड मैक्स वैल्यू ऑफ वेपन. फाइन. एंड मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, अगर मैं एक इनइक्वलिटी लिखूं इस क्वेश्चन के लिए बेसिकली, तो वो कैसी हो जाएगी. एच मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू सम मल्टीपल ऑफ मैक्स वैल्यू, सपोज के मल्टीपल्स ऑफ मैक्स, प्लस जो तुम सेकेंड मैक्सिमम वैल्यू है वो एटलीस्ट कितने टाइम्स यूज करने वाले हो, या तो के टाइम्स और के माइनस वन टाइम्स. ओके, अब ऐसा एग्जैक्टली हो क्यों रहा है ये देखो. सबसे पहले तुम फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू यूज करोगे. ठीक है, हेयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आफ्टर यूजिंग फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू ओनली तुम्हारा जो एनिमी है वो खत्म हो जाए. ठीक है, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि तुम फर्स्ट के बाद सेकेंड भी यूज करो. फाइन, तो हुआ क्या कि अब जो कॉफिशियंट ऑफ दिस एंड सेकेंड वैल्यू बिकेम इक्वल. ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब तुम्हारा इसका और सेकेंड मैक्सिमम, ये फर्स्ट मैक्सिमम है ये सेकेंड मैक्सिमम है, ये दोनों इक्वल हो जाए. ठीक है, सेकेंड पॉसिबिलिटी कैन बी कि तुम अगेन फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू यूज करो. तो यहां पे जो पॉसिबिलिटी है वो कैसी हो सकती है, दैट जो तुम्हारा फर्स्ट वैल्यू का कॉफिशियंट है वो 1 से ज्यादा हो जाए. दैट इज कॉफिशियंट ऑफ फर्स्ट वैल्यू, या फिर यू कैन से फर्स्ट मैक्सिमम माइनस कॉफिशियंट ऑफ सेकेंड मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 1. ओके, सिंपल सी चीज है. एंड थर्ड पॉसिबिलिटी कैन बी तुम अगेन ये यूज कर लो, तो ये अगेन तुम्हारा ये वाला केस आ जाएगा, दैट इज दोनों के कॉफिशियंट इक्वल. तो अब मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं मैक्स प्लस सेकेंड मैक्स वैल्यू लेता हूँ. ठीक है, फाइन. अब मेरी एच की वैल्यू है मेरे पास, मैं सिंपली बोलूंगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स दिस वैल्यू इज डिवाइडिंग एच. तो सपोज मैंने क्या किया, एक इंटीजर एक्स में एच बाय इसको मैं सम बना लेता हूं. ठीक है, एच बाय सम कर लिया. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल सब्सट्रैक्ट एक्स मल्टीप्लाई टोटल सम. अब इससे एग्जैक्टली होगा क्या, जो मेरी वैल्यू ऑफ के है वो मुझे मिल जाएगी, जो भी इनइक्वलिटी में थी. ठीक है, दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन जब मैं एक्स और फर्स्ट मैक्सिमम और सेकेंड मैक्सिमम दोनों यूज करने वाला हूँ. ठीक है, पॉसिबिलिटी एग्जैक्टली होगी क्या, कोई भी एच की वैल्यू है उसके लिए मैं कैसे वैल्यूज यूज करने वाला हूँ, मैं 1 यूज करूँ फिर 2 यूज करूँ फिर 1 यूज करूँ फिर 2 यूज करूँ फिर 1 यूज करूँ फिर 2 यूज करूँ. उसके बाद एक पॉसिबिलिटी है कि मैं 1 यूज करूँ. ठीक है, तो या तो मेरा एच यहीं पे खत्म हो सकता है या मेरा एच यहाँ पे आके खत्म होगा. ठीक है, और एक और पॉसिबिलिटी है कि अभी भी ये यूज करने के बाद भी थोड़ी सी वैल्यू एच की बच जाए तो मैं ये भी यूज करूं. ठीक, तो मैंने यहां तक के लिए एग्जैक्टली क्या किया, इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली एच माइनस एक्स क्रॉस सम. ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस करके अब जो फाइनल एच की वैल्यू मुझे मिलेगी वो मिल गई. नाउ आई विल सिंपली चेक दैट इफ एच 0 हो गया ऑलरेडी तो मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो जाएंगे, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, अगर ये टोटल एक्स है दैट इज यहाँ पे जो मैंने निकाला है. ठीक है,
आई विल सिंपली मल्टीप्लाई एक्स बाई टू, वन फॉर दिस वन फॉर दिस वन फॉर दिस वन फॉर दिस. ओके नाउ सेकेंड थिंग आई विल चेक इज इफ एच इज लेस देन और इक्वल्स टू ए मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू. ओके दैट इज जो भी मेरी फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू है अगर उससे छोटा या इक्वल है तो आई विल से कि मुझे एक बार और ये वैल्यू यूज करनी पड़ेगी सिंपली. तो इस केस में मेरा आंसर हो जाएगा 2 x + 1 क्योंकि मैंने एक ऑपरेशन और यूज किया. एंड अदर देन अगर ए नॉट से भी बड़ा है मेरा एच, दैट इज एच इज ग्रेटर देन ए मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है तो आई विल से कि मुझे अभी भी ये थोड़ी सी ये वैल्यू भी यूज करनी पड़ेगी. इन दैट केस माई आंसर विल बी सिंपली 2 x + 2. ठीक है तो ये 3 पॉसिबल केसेस थे. इसके लिए कोड तुम्हारा हियर इज द कोड. मैंने एन और एच का इनपुट ले लिया, फिर वेक्टर में एक इनपुट ले लिया और सारा एरे का इनपुट ले लिया और उनको सॉर्ट कर दिया. ठीक है एंड देन मैंने जो साइमल्टेनियस ऑपरेशन हो रहे थे दैट इज एक्स की वैल्यू निकाल ली और वो कितनी हो जाएगी एच अपॉन ए डॉट बैक प्लस सेकेंड मैक्सिमम, फर्स्ट मैक्सिमम प्लस सेकेंड मैक्सिमम. ठीक है और फिर मैंने एच से उतनी वैल्यू माइनस कर दी दैट इज एक्स मल्टीप्लाई फर्स्ट मैक्सिमम प्लस सेकेंड मैक्सिमम. नाउ आई विल सिंपली चेक, लेट मी जूम इट फर्स्ट. नाउ आई विल सिंपली चेक इफ एच इज इक्वल टू जीरो देन आई कैन सिंपली से दैट मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन विल बी 2 x. अदरवाइज मुझे क्या मैं एक मैक्सिमम वैल्यू का यूज करके एच को जीरो या लेस देन जीरो बना सकता हूँ. आई विल सिंपली चेक इफ येस देन 2 x + 1, अदरवाइज माई आंसर विल बी सिंपली 2 x + 2. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन ऑलवेज. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग.